फी इज अगेन वेरी इजी, सेम केस होगा. क्या बोला इन्होंने, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये कॉन्केव लेंस एक हमने बना लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. इधर हो गया बच्चों फोकस. ठीक है, तो इधर हो गया आपका सेकेंड फोकस. एफ वन एफ टू से दिखाना हो दिखा दीजिए आप. यहाँ कहीं होगा आपके पास क्या 2F2 और यहाँ होगा आपके पास क्या 2F1. और बच्चों अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, इसको एफ लिखो, इसको 2F, इसको एफ, इसको 2F, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो नाम है ना F1 F2. बाकी लेंथ तो सेम होगी ना, ये और ये वाली लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये सेम होगा. ठीक, अब इन्होंने कहाँ रखवा है बच्चा, बच्चों बताइए आपसे, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ. मतलब ट्वाइस द फोकल लेंथ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ 2F1 तक क्या है, ये ट्वाइस द फोकल लेंथ है, इसके बियॉन्ड रखना है. और ध्यान रहे, बियॉन्ड का मतलब बच्चों ये नहीं कि इन्फिनिटी पे, अगर उन्हें बोलना होता इन्फिनिटी पे तो वो बोल देते इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे तो नहीं बोला. और आपको याद है कॉनकेव में जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड होती थी, है ना. ओके, तो वो केस तो नहीं है. तो ये केस कौन सा आ गया बच्चों, देखिए बियॉन्ड 2F1 उन्होंने मतलब 2F1 तो नहीं बोला है, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये हो गई ट्वाइस द फोकल लेंथ के बियॉन्ड, के बाहर रखना है, मतलब यहाँ रखना है स्टूडेंट्स कहीं पे. ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, ये केस कौन सा है, ये तो वही वाला जनरल केस है क्या, कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच वाला ही केस है. तो आपकी इमेज ऑब्वियसली कहाँ मिलेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी आपको. तो सिंपल केस है, सभी बच्चे बना सकते हैं. यहाँ से एक पैरेलल बच्चों रे लेके आइए, आफ्टर द रेफ्रैक्शन ये फोकस के निशाने से आती हुई नजर आएगी, और दूसरी रे आपको कहाँ से निकालनी है, ऑप्टिकल सेंटर से. तो ऐसे आप पास करा दीजिए स्ट्रेट इसको, और यहाँ से बच्चों उसको बैक ट्रेस करेंगे जब आप, तो ये देखिए फोकस आते हुए नजर आएगी. तो ये देखिए पॉइंट ए की जो इमेज है आपकी, वो यहाँ कहीं आपको मिलेगी, ठीक है, ए डैश पे. ठीक, और यहाँ मिलेगी आपको ये बी डैश पे. ठीक है, अच्छा एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं डिस्कस ये करना चाहता हूँ फाइनली इस क्वेश्चन में. सबसे पहले इन्होंने कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट बताइए, फोकस पे रखा था. फिर कहाँ रखा इन्होंने ऑब्जेक्ट, बिटवीन द फोकस एंड ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यहाँ कहीं रखा. ठीक, फिर इन्होंने कहाँ रखा, बियॉन्ड द, और फिर अगर वैसे तो इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछते तो कहाँ रखते हम इन्फिनिटी पे. एक बात बच्चों मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे लेते जाओगे वैसे वैसे इमेज कहाँ आती जाएगी, फोकस के पास आती जाएगी, बात समझ में आएगी नहीं, और साइज भी उसका और छोटा होता जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए. यानी कि अगर तीनों डायग्राम बच्चों हमको अगर साथ में बनाने हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे. अगर तीनों हमें कोई कंपैरिजन, वैसे तो कंपैरिजन बच्चों इन्होंने हमसे पूछा नहीं है, बट फिर भी अगर कोई कंपैरिजन करने के लिए बच्चों बोलता है तो देखिए पार्ट ए में इन्होंने हमसे क्या पूछा था, पार्ट ए में इन्होंने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया था, फोकस पे रख दिया था. ठीक है ना, तो लगभग इतना ही देखिए बच्चों ये फोकस था आपका. ठीक है, तो ये फोकस था आपका, ऑब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे रख दिया था पार्ट ए में. ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट का साइज भी तीनों केसेस में सेम लेना है. ठीक, और अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाए, वैसे आएगा नहीं कभी, परेशान ना हो. ठीक है, लेकिन बात समझिए बच्चों, जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे इमेज फोकस की तरफ आती आएगी. अब मान लो अभी ये ऑब्जेक्ट है आपका और इमेज यहाँ पे बनी है, ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश. ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट में इसका कंपैरिजन दिखा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. ये पार्ट ए हो गया. अब पार्ट बी में स्टूडेंट्स याद होगा आपको, पार्ट बी में बच्चों ये फोकस था आपका और ये क्या था आपका 2F था. ठीक है, और यहाँ कहीं ये फोकस था और ये 2F था, उसको 2F1 2F2 कर दो, उससे मतलब नहीं है. अब देखिए अब कहाँ रखवाया था उन्होंने बच्चों, F और 2F के बीच में ना, मतलब क्या बोला था उन्होंने क्वेश्चन में, बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पार्ट बी में. तो यहाँ बच्चों उन्होंने आपको ऑब्जेक्ट रखवा दिया था. लगभग बच्चों मैं भी कोशिश करता हूँ कि ए बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रखूँ यहाँ पर, ताकि आपको कंपैरिजन हो सके स्टूडेंट्स. ठीक है, अब क्या होगा, आप थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्ट को पीछे ले गए हो तो ध्यान दें बच्चे, ये जो ए डैश बी डैश है ये भी खिसक के थोड़ा सा किधर आ जाएगा, फोकस की तरफ. तो ये कंपैरिजन वाली बात है, तो ध्यान से चेक करिए, ये खिसक गया किसकी तरफ, थोड़ा सा फोकस की तरफ. पहली बात तो ये देखिए ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया. अब ये इधर बनने की बजाय इमेज इधर बन जाएगी. ठीक है, तो ये इधर बन गई ए डैश बी डैश. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात ये है कि जितनी बड़ी बच्चों इमेज बनी थी उससे थोड़ी सी यहाँ पर छोटी बनेगी, थोड़ी सी और छोटी कर दीजिए लीजिए. कोई डाउट है, कंपेयर करने के लिए आएगा तो हमें कॉपी में साफ साफ दिखना चाहिए कंपेरिजन. और तीसरा पार्ट बच्चों,
यहाँ पे ये जो है मैं यहीं पे आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इन्होंने तीनों अलग अलग पूछे थे, कंपैरिजन पूछा नहीं था, कुछ पूछा नहीं था कि बताओ क्या डिफरेंस है तीनों केसेस में, तो मैंने बताया नहीं। पर फिर भी अगर मान लीजिए आ जाए कि भाई तीनों केसेस में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, तो सी केस का अगर आप बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि रे डायग्राम तो आप लोगों को सबको बनाना आता ही है ना, मैं कंपैरिजन करा रहा हूं बच्चों, ये रहा फोकस और ये रहा क्या आपका बताइए 2F, और आप कहाँ ले गए हैं बताइए, आप इसको ले गए हैं स्टूडेंट्स कहाँ पर, बियॉन्ड 2F पे। तो ऑब्जेक्ट लगभग बच्चों उतना ही रखिए, लगभग हिसाब से मैं अभी रख रहा हूँ, ये देखिए ऑब्जेक्ट आपने उतना ही रखना है ठीक है, और जो आपकी इमेज होगी स्टूडेंट वो थोड़ा सा और फोकस की तरफ खिसक जाएगी, मतलब ये देखो अभी ये गैप इतना था, अब ये इधर थोड़ी सी खिसक गई, यहाँ पे सेकंड केस में आप थोड़ी सी और इधर खिसक जाएगी, तो ये देखिए ये और साइज भी क्या कर दोगे आप इसका थोड़ा सा और छोटा, तो ये ए डैश बी डैश देखिए ठीक। और नेक्स्ट केस बच्चों जो लास्ट केस बचेगा, अब वो तो अलग बात है, बियॉन्ड 2F बोल दिया है, अब और क्या बोलेंगे बताइए, अगर मैं थोड़ा सा और खिसकाऊं तो थोड़ी सी और ये फोकस के पास आएगी, साइज का थोड़ा सा और कम होगा, तो इतना अब कुछ नहीं पूछा जाएगा, और साथ में किसका कंपैरिजन कराया जा सकता है, तो जवाब है कि ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए इन्फिनिटी पे। तो आइए बच्चों वो भी हम जरा सा केस देख ही लेते हैं फटाफट, रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए जरा, ये ऑप्टिकल सेंटर था सही है, और ये फोकस है ना, तो इतना हमने लिया ठीक है, और इन्फिनिटी बच्चों कहीं यहाँ कहीं हो गया, अब हम 2F को नहीं दिखा रहे हैं, आपको दिखाना हो तो लीजिए दिखा दीजिए ठीक है। तो बच्चों इन्फिनिटी से जब रे आएगी ये ऐसे है ना, इन्फिनिटी से रे कैसे आती थी बताइए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ओके, ये देखिए अब यहाँ से ये ऐसे क्या हो जाती थी। अब खास बात क्या हुई बच्चों, खास बात ये हुई अभी तो बियॉन्ड 2F था आपका ऑब्जेक्ट, अब कहाँ चला गया इन्फिनिटी, अब तो बहुत दूर चला गया, तो इमेज कहाँ आ जाएगी अब फोकस पे, और कितनी हो जाएगी, तो जवाब है बहुत छोटी हो जाएगी, तो छोटी का बहुत छोटी क्या पॉइंट साइज हो जाएगी। तो ध्यान से चेक करिए, इसको आप ऐसे बैक ट्रेस करेंगे जब ये ऐसे, तो देखिए आपकी इमेज और इधर खिसक गई, मतलब फोकस की तरफ आ गई, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पीछे लेते जाओगे इमेज फोकस की तरफ खिसकती चली जाएगी और साइज भी उसका छोटा होता चला जाएगा, तो इस टाइम बच्चों डिमिनिश्ड हो गई है ठीक है, बस पॉइंट साइज हो गई। तो ये कंपैरिजन आपको समझ में आना जरूरी था, बताइए कोई डाउट है इसमें, हाँ तो प्लीज़ इसको आप कंपेयर भी एक बार कर लीजिए अपने नॉलेज के लिए ओके, नोट कर लीजिए।